सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय पर एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने हस्ताक्षर कर नशा मुक्त का संकल्प लिया, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए वृहद पैमाने पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को नशा के दुष्परिणामों के प्रति सचेत करते हुए उन्हें जागरूक किया जा रहा है, जिससे वह नशा को छोड़ें और देश का समग्र विकास करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिक्षिका डॉक्टर चारुशीला सिंह और जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह, एडी इंटर कॉलेज से शिक्षिका। मैं भी यही कहूंगी कि इस आबोहवा में, खुली हवा में जो हम सांस ले रहे हैं, निसंदेह ये बहुत सारे सेनानियों के बलिदान के बाद ये सुखद दिन हमें मिला है। इसकी जो पावन, जो इसका महत्व है, जो इसकी महिमा है, जो इसकी गरिमा है, हम सभी देशवासी संकल्पित हों कि इसको अक्षुण्ण बनाए रखें, क्योंकि जिस त्याग की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं, उन सेनानियों के लिए चार पंक्तियाँ कहना चाहूँगी और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ कि ये जो आह्लाद है, ये जो स्वतंत्रता का अवसर है जो हम महसूस कर रहे हैं, ये ऐसे ही बना रहे, लेकिन जिनके कारण ये हमें मिला है, चार पंक्तियाँ उनके लिए कहती हूँ। आज़ादी के लिए खुशी कुर्बान कर गए, सांसें भी दे के देश का सम्मान कर गए, आज़ादी के लिए खुशी कुर्बान कर गए, सांसें भी दे के देश का सम्मान कर गए, बदले में हमने दी उन्हें पत्थर ही निशानी, बदले में हमने दी उन्हें पत्थर ही निशानी, जो खुद को जला रोशने जहान कर गए, जो खुद को जला रोशने जहान कर गए। तो हम क्या दे सकते हैं उन्हें, बस उनकी स्मृति को इसी तरह ये साकार रहे, उसे हम महसूस करें, बनाए रखें उनके त्याग को, बलिदान को। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 272 जिले चिन्हांकित किए गए थे, जहाँ ये ड्रग एडिक्शन और मादक पदार्थों के घटनाक्रम ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे जगहों पे ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये अभियान चलाया, पिछले 15 अगस्त से शुरू किया गया है, उसी कड़ी में आज ये इसकी पहली वर्षगांठ थी। ये कार्यक्रम गोरखपुर में भी शुरू किया जा रहा है, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहायता ली जा रही है और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कोशिश ये की जा रही है कि गोरखपुर को जल्दी से जल्दी हम लोग नशा मुक्त कर सकें। निश्चित रूप से जागरूकता, इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम था, जिसकी जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया है और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस अभियान को अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। इसमें हमारे के दो स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं, साइंस एजुकेशनल सेंटर और अमला प्रशांत, ये दो स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी निभा रही हैं।